टू कॉटलीमेज इजन फ्रॉम एनसीआर दिस इमेज ताकि आपको कोई भी अगर डाउट है इस इमेज से रिलेटेड तो आज आपको सारे क्लियर हो जाएंगे अब हम पहले बात करेंगे एक टिपिकल डाइकॉट एम्ब्रियो की डाइकॉट एम्ब्रियो में दो मेन पार्ट्स होंगे इस रीजन को हम कहेंगे एम्ब्रियोनल एक्सिस सो दिस इज द फर्स्ट पार्ट पार्ट और जो मेन होता है दिस रीजन दैट इज कॉल्ड कॉल्डलीस विच इज अ सेकेंड रीजन और डाइकॉट एम्ब्रियो में टू कॉटलीडियंस प्रेजेंट होंगे और इन कॉटलीडियंस के ऊपर यहाँ पर एपिकोटाइल प्रेजेंट होगा ये एपिकोटाइल प्रीम्यूल्स में डेवलप होगा और ये ही प्लेम्यूल्स आगे जाकर शूट्स में डेवलप होते हैं आगे जाकर मतलब ये जो एम्ब्रियो है दैट इज प्रेजेंट इनसाइड द सीड और जब हम इस सीड को सो करेंगे और इनसे जब प्लांट्स प्रोड्यूस होंगे तो यही प्लेम्यूल से शूट्स का डेवलपमेंट होता है और कॉडलीट्स के नीचे जो सिलेंड्रिकल पार्ट है दिस रीजन इज कॉल्ड हाइपोकोटाइल जहाँ से रेडिकल्स डेवलप होते हैं और ये रेडिकल्स क्या होंगे दे विल बी द रूट्स ऑफ फ्यूचर प्लांट इस सीड से जो भी प्लांट बनेगा उसका रूट यहीं से जो होगा और root tips में प्रेजेंट होते हैं अगर हम के, examples की बात करें तो इसमें मैंगो एप्पल रोज दीज आर द डिफरेंट एग्जाम्पल्स ऑफ द टाइकॉर्ट प्लांट्स नाउ लेट एस डिस्कस द स्ट्रक्चर ऑफ मोनोकॉट एम्ब्रियो सो मोनो स्टैंड फॉर सिंगल या फिर वन

तो अगर मोनोकोट है तो हम उसे कहेंगे स्पेटलम और अगर डाइकॉट्स हैं देन द सेम स्ट्रक्चर इज कॉल्ड कॉटलीडियंस नाउ अब इस एम्ब्रियोनल एक्सिस के लोअर साइड में यहाँ पर आप देखें तो एक अनडिफ्रेंशिएटेड शीट का स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगा दैट इज कॉल्ड कॉलोराइजा द टर्म राइजा हेयर स्टैंड फॉर राइजोइड्स और राइजोइड्स का मतलब होता है एनीथिंग दैट इज रिलेटेड टू रूट्स तो आप भूलना मत कॉलोराइजा मतलब वो वाला पोर्शन जहां पर रेडिकल्स और रूट कैप्स प्रेजेंट होंगे दैट इज कॉल्ड कोलोराइजा और यही रेडिकल्स और रूट कैप्स आगे जाकर फ्यूचर रूट्स में डेवलप होते हैं वहीं दूसरी तरफ अब हम एम्ब्रियोनल एक्सिस के अपर पार्ट की बात करें तो इस रीजन को कहा जाता है एपिकोटाइल यहाँ पर आपको एक हॉलो फोलियर स्ट्रक्चर देखने को मिलता है फोलियर का मतलब एनीथिंग दैट इज रिलेटेड टू लीव्स और शूट्स और इस रीजन को हम कहते हैं कॉलिप्टाइल और इसी कॉलिप्टाइल के अंदर क्यूट एपेक्स एंड लीव प्रीमोडिया प्रेजेंट होंगे जहां से फ्यूचर शूट्स और लीव्स ओरिजिनेट होते हैं अगर हम मोनोकॉर्ड्स के एग्जांपल्स की बात करें तो द एग्जांपल्स ऑफ मोनोकॉर्ड्स आर ग्रास बनाना बैम्बूज These are the examples of monocot plants. And now this is a handwritten notes of dicotyledons embryo and monocotyledons embryo. अगर आपको नोट्स पी के फॉर्मेट में चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स एज वेल एज हमारे चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से मिल जाएगा अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक like, शेयर जरूर करिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि आने वाली वीडियोस आपको यू ही मिलती रहें। लिए बाय बाय टेक केयर